हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? जैसे कि आपको पता है कि मेरा पैर कल बहुत बुरी हालत से गुजरा है। अभी भी मेरा पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। आई कॉन्ट इवन वॉक। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कल दोपहर तक ठीक था। रात में जो दर्द मुझे स्टार्ट हुआ, मैं क्या बताऊँ। पापा फिर मेरे लिए पेन किलर लेके आए। वो खाने के बाद मैं सुबह को उठी, जब थोड़ा सा रिलीफ लगा मुझे। एंड इतना अभी बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, कल के कंपैरिजन से थोड़ा कम दर्द है। उसके बाद एक आंटी आई, हम लोग में बोलते हैं कि झाड़ फूँक नहीं, ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो। करके उनको पता चल जाता है कि अगर पैर टूट गया, फ्रैक्चर हुआ, मोच आ गया, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि मेरा मोच आया है बहुत ज़ोरों से। वो 3 दिन मुझे ऐसा मालिश वगैरह सब कुछ करके देगी, तो मैं रिकवर हो जाऊंगी जल्दी। एंड होपफुली मैं रिकवर हो जाऊँ पूजा के आगे स्पेशली, क्योंकि मेरा बहुत सारा प्लान्स है। मुझे बस वो बात के रोना लग रहा है कि मैं कैसे सब कुछ ओवरकम करूँ। एंड आपको मेरा फेस का हालत देख के भी पता चला, आई एम लिटरली स्ट्रेस्ड आउट। बहुत दर्द हुआ कल, बहुत बहुत ज़्यादा। रात में रोए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर आप लोग के सपोर्ट की वजह से, आप लोग ने इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स किया, फिर मेरी मम्मी पापा, माय फ्रेंड्स, माय क्लोज पीपल्स, सबने इतना अच्छे से मुझे सपोर्ट किया कि मुझे लग रहा है मैं अभी धीरे धीरे रिकवर हो सकती हूँ। एंड मैं जल्द हो जाऊँगी। मैं आप लोगों को मेरा पैर का हालत आज का दिखा देती हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरे पैर का पूरी बुरी तरह से फूल चुका है। अभी कल से थोड़ा सा कम है, और इस साइड में तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या हालत है गाइस। बहुत ज़्यादा दर्द है, स्पेशली इस जगह पर और इस जगह पर। आई होप मैं पूजा के आकर रिकवर हो जाऊँ। सो गाइस, आप लोग ने देख लिया मेरा पैर का हालत। अभी भी रिकवर नहीं हुआ है पूरी तरह से, टाइम लगेगा आई नो। आई होप इस वीक तक मैं रिकवर हो जाऊँ। एंड मैं अच्छी अच्छी मेरी स्माइली फेस के साथ और भी वीडियोस लेके आऊँ, क्योंकि मेरे स्टडीज़ में हैम्पर हो रहा है मेरे पैर की वजह से। मेरे करियर में तो हैम्पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई होपफुली मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी। पर मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, माई पेरेंट्स एंड आप लोग तो है ही। उसके बाद मैं इसके सहारे भी चल रही हूँ। मेरे पापा ने ये दिया कि इसके सहारे चल, फिर मेरी मम्मी भी आती है एक साइड में, और एक साइड में मैं इसको लेके चलती हूँ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है सबका। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग इस तरह मुझे सपोर्ट किए करते रहिए, और मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं जल्दी जल्दी रिकवर हो जाऊं। एंड आप लोगों के लिए झटपट वीडियो लेके आऊं, ठीक है? सो मैं आप लोगों से मिलूंगी, पता नहीं अभी कब मिलूंगी, जब तक ठीक नहीं हो जाती। एंड हेल्थ अपडेट मैं आप लोग को देते रहूँगी। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर, एंड सावधानी से रहिए।